प्रयाग व्यापार मंडल के नेतृत्व में प्रयागराज के सभी संगठन के द्वारा इंदिरा भवन के GST कार्यालय में बड़े स्तर पर घेराव किया गया। घेराव के दौरान अधिकारियों से कहा गया कि अगर इसको तत्काल रूप से न रोका गया तो प्रयागराज बंद करवाया जाएगा, जबकि जहां भी सवे छापे डाले जाएंगे प्रयाग व्यापार मंडल उनके सामने आकर इसका विरोध करेगा और कोई कार्यवाही नहीं होने देगा। ज्ञापन में हम लोगों ने मांग रखी है कि जो जेस्टियन में व्यापारी पंजीकृत नहीं है और उसका 40 लाख रुपए साल से ज्यादा का टर्नओवर है उसको पंजीकृत किया जाए, सरकार का राजस्व भी बढ़े और व्यापारी को परेशान नहीं किया जाए। हम लोगों ने जो ये उत्पीड़न कर रहे थे इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर इनको धरना और ज्ञापन दिया है और इन्होंने आश्वासन दिया कि आज के बाद कोई भी व्यापारी के यहाँ किसी प्रकार का कोई छापा या सर्वे नहीं होगा। इन्होंने आश्वासन दिया है कि आज के बाद हमारी कोई टीम व्यापारियों के पास नहीं जाएगी। जो व्यापारी गलत है आप उसको वापिस बुलवाएं और वापिस बुलवा कर उनकी जानकारी लें। आज हम लोगों ने GST ग्रेड वन एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन को ज्ञापन दिया, जो GST विभाग के द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की जा रही थी व्यापारियों के खिलाफ और व्यापारियों को अपमानित किया जा रहा था कि जैसे ये व्यापारी ना होकर कोई अपराधी है। इसके विरोध में हम लोगों ने GST ग्रेड वन को एक ज्ञापन दिया और हमारा ज्ञापन पूरा सुनने के बाद उन्होंने हम लोगों को यह आश्वासन दिया कि आज के बाद किसी भी परिसर में छापेमारी नहीं की जाएगी और अगर कोई भी व्यापारी में अनियमितता पाई जाएगी तो उसको नोटिस दिया जाएगा, उसके खिलाफ नोटिस देकर शोकास दिया जाएगा और गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र अगर इसके बाद भी किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान की जांच करना आवश्यक होगा तो क्षेत्रीय व्यापार मंडल को विश्वास में लेकर उनके प्रेजेंस में व्यापारिक प्रतिष्ठान में कार्रवाई की जाएगी, किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो व्यापार मंडल किस पे किस तरह अपना प्रस्ताव क्या रखेगा? व्यापार मंडल इसके बाद अगर कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है जिससे व्यापारी का उत्पीड़न होता है या छापेमारी होती है तो व्यापारी और GST विभाग आमने सामने रहेंगे। हम लोग व्यापारियों का पूरी तरह विरोध करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ेगी GST के व्यापारियों अधिकारियों का विरोध करेंगे और हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो मार्केट भी बंद की जाएगी, परंतु उनके आश्वासन के बाद GST ग्रेड वन के आश्वासन के बाद हम लोगों को ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी या ऐसी कोई नौबत आएगी। ग्रेड ए के अधिकारी प्रदीप यादव ने आश्वासन दिया कि आज से प्रयागराज में कहीं भी सवे छापे नहीं होंगे। बेसिकली जो जांचें चल रही थी ये सब इंटेलिजेंट बेस्ड थी और उसी इंटेलिजेंट बेस और सूचनाओं के आधार पर जांच की गई थी और उसी पे हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की थी। अब वर्तमान में ये निर्णय लिया गया कि आज से जांच कार्रवाइयाँ स्थगित रहेंगी, यही कहना है। तो सर व्यापारियों का जो आरोप है कि अंदरूनी मिलीभगत की वजह से नहीं ऐसा किसी भी इंडिविजुअल व्यापारी का कोई उत्पीड़न वाली बात नहीं रही है। जो भी इंटेलिजेंट बेस रही हैं, जो पंजीकृत नहीं थे और जिनके बारे में सूचनाएं थी कि वो गलत रिटर्न दाखिल कर रहे हैं या टैक्स इवेजन कर रहे हैं, उन्हीं की ही जाँच थी और प्योरली इंटेलिजेंट बेस ही जाँच थी। तो आगे कार्रवाई अब कैसे होंगी? फिलहाल जो हम लोगों ने जाँच की है उसी को वर्कआउट करेंगे और भविष्य में यह कि रिटर्न स्कूटनी वगैरह से जो भी हमारे पास IT पोर्टल्स हैं हमारे पास उन्हीं के माध्यम से जांच की जाएंगी और बाकी सर क्या पंजीकरण के लिए आप लोग शिविर लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, शिविर लगाते रहें और इस मामले में मैंने सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से भी आग्रह किया है कि उनको महसूस होता है कि हमारे क्षेत्र में ज़रूरत है तो हम तत्काल कल से टीम भेजने को भी तैयार हैं। अभी प्रयागराज मंडल में कितने व्यापारी पंजीकृत हैं? वही प्रयाग व्यापार मंडल के सभी सहयोगी ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। सभी व्यापारियों से निवेदन है कि सभी व्यापारी निर्भीक होकर दुकानें खोले, आज से कोई भी सवे छापे नहीं होंगे। प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोरा, प्रांतीय व नगर अध्यक्ष अनिता जायसवाल, महामंत्री सोहेल अहमद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण केसरवानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील खरबंदा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राणा चावला, जिला महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष अवंतिका टंडन, सभी ने नगर के व्यापारियों का धन्यवाद दिया। सभी ने अपनी एकता का परचम लहराया।